और चलिए बुलेटिन की शुरुआत में सबसे पहले आपको ले चलते हैं सीधा कोटा, जहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो है कोटा वासियों को दिवाली की सौगात देने जा रहे हैं। और यहां पर सौगात जो है मुख्यमंत्री की ओर से दी गई है कोटा वासियों को। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। बच्चे मिलते हैं तो बात करते हैं। एक कायाकल्प हो जाएगा राजस्थान के बच्चों का, उनका फ्यूचर बन जाएगा, गाँव के बच्चों का भी, शहरों के बच्चों का भी। तो काम तो हमने कई हाथ में लिए, जो आप देख रहे हो कि अभी इन्वेस्ट राजस्थान होगा करीब 11 लाख करोड़ के MOU हुए हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि लाखों बच्चों को रोजगार मिलेगा, करीब 3 लाख के आसपास हम लोग नौकरी लगा रहे हैं सरकारी, पर सरकारी नौकरी सभी लग नहीं सकती, प्राइवेट सेक्टर आएगा तो कम से कम रोजगार मिलेगा लोगों को। तो ये तमाम जो है हमने विदेश में भेजे बच्चों को, शायद आपको मालूम होगा विदेश में जो बच्चे जा रहे पढ़ने के लिए उसमें 200 बच्चों को जो अफोर्ड नहीं कर सकते उनको सरकार दे रही है पूरी फीस, 50 लाख हो जाए 1 करोड़ रुपए हो। अभी तक 100 से ज्यादा बच्चे जा चुके हैं राजस्थान से। इस प्रकार से मैं समझता हूँ कि हमने जो बीड़ा उठाया है किसानों के लिए, हमने जो सब्सिडी दी उनको 1000 रुपये प्रति माह, 8 लाख किसानों के बिजली बिल 0 आ रहे हैं, उपभोक्ताओं को दी हमने 50 यूनिट फ्री की है, 300 यूनिट तक हमने रेट कम कर दी है, 42 लाख उपभोक्ताओं के 0 बिल आने लगे राजस्थान के अंदर, उसमें हो सकता है आप मेरे कई लोग हों, और 300 यूनिट तक का जो कम किया उसका बिल, उसके कारण से भी करीब करीब 600-700 रुपये हर एक बिल के कम हो गए। तो कहने का मतलब ये कि सरकार कोशिश कर रही है 1 करोड़ लोगों को, हम लोग जो विधवाएं हैं, जो बुजुर्ग हैं, जो निःशक्त हैं, उनको पेंशन दे रहे हैं। सोशल सिक्योरिटी में केंद्र सरकार को आगे आना चाहिए। और मोदी जी तो पूरे दुनिया में घूमते रहते हैं, दुनिया के मुल्कों के अंदर जो विकसित राष्ट्र है वो सब सोशल सिक्योरिटी प्रत्येक परिवार को दे रहे हैं, वहां पर सालों से 30-40 साल से मैं देख रहा हूँ, वीकली पैसा मिलता उन लोगों को अपना आराम से जीवन व्यतीत करने के लिए। तो वक्त आ गया है, हम 21st सेंचुरी में चल रहे हैं, हिंदुस्तान के अंदर भी सभी सभी वर्गों को, सभी लोगों को, सभी मैं समझता हूँ लोगों को, परिवारों को एक सिक्योरिटी मिले। जैसे हमने OPS किया कर्मचारियों के लिए, हिंदुस्तान में पहला राज्य राजस्थान है जिसने एक बड़ा फैसला किया है जिसकी तारीफ सब जगह हो रही है, कर्मचारियों के अंदर OPS लागू करना किसी ने कल्पना नहीं की थी, किसी ने मांग भी नहीं करी थी। मैंने मान्य दृष्टिकोण से कि कर्मचारी भी नौकरी में आता है, 35 साल काम करता है, कम से कम रिटायरमेंट उनको लगना चाहिए कि मेरा बुढ़ापा आराम से निकलेगा। NPS नई योजना आई उसमें इनसिक्योरिटी फैल गई थी। इतना बड़ा काम हमने वहां पे भी किया है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि काम तो कई फैसले हुए हैं और उसी रूप में हम चाहेंगे कि आने वाले वक्त के अंदर और हम सब मिलकर के आप सबके सहयोग से, जैसे कोरोना के अंदर आपने सहयोग किया था जब बहुत भय था, चिंता थी, शानदार मैनेजमेंट राजस्थान ने किया उस वक्त में, फ्री इलाज किए सबके, 40,000 के इंजेक्शन में फ्री लगाए और बाहर के राज्यों के लोग यहाँ पर आए थे। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि काम बहुत हुए हैं। आपके यहाँ भी अस्पताल का जो बदनामी हो रही थी पहले, अब निकू पिकू आने के बाद में तो आप देखिएगा कितना बड़ा फर्क पड़ गया। मेरे पास आंकड़े थे कि आपके 60% शिशु विभाग में आपके 18 की तुलना में 21 में जो आपका अस्पताल है उसमें नवजात शिशु विभाग में 60% और शिशु विभाग में 19% अधिक मरीज भर्ती हुए। और मृत्यु दर जो है मेन बात यह है, मृत्यु दर आपके जो है दोनों विभागों में 66% 85% कम हुई है, मतलब IMR MMR उसमें गिरावट आई है। इस बात की हम सबको बहुत प्रसन्नता है। इसी रूप में जो पहले इशू बन गया था आपके वहाँ, अब जो नए अस्पताल बने, निकू पिकू बने, आईसीयू के केंद्र बने, उसके बाद में शिकायत भी नहीं रहेगी। यही बात कहता हूँ मैं पुणे धारीवाल जी को, तमाम आपके अजमेर वासियों को, कोटा वासियों को बहुत बहुत मुबारकबाद, बधाइयाँ देता हूँ आप सबके उज्ज्वल भविष्य की, दीपावली की सबको राम राम करता हूँ। और अनूप हरतिया को विशेष धन्यवाद देता हूँ कि उसने पूरी रुचि दिखाई और उन्होंने जो जिम्मेदारी सौंपी गई उन्होंने निभाने में कोई कमी नहीं रखी। धन्यवाद, जय हिंद, धन्यवाद।
सर, अब समारोह के अंत में मैं प्रशासन सचिव स्वायत्त विभाग को निवेदन करता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय यूडीएच एलएससी मंत्री महोदय, माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय, माननीय मुख्य सचिव महोदय, जीएस संधू साहब, कुंजीलाल सर, अनूप भरतिया साहब, उपस्थित सभी जनप्रतिनिधिगण और अधिकारीगण, शहरों के विकास की श्रृंखला में आज का जो लोकार्पण है ये अपने आप में एक माइलस्टोन है। शहरों में न केवल आधारभूत विकास के लिए काम हुए हैं बल्कि सामाजिक सुरक्षा के लिए, जैसा कि अभी पूर्व वक्ताओं ने बताया, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना और इंदिरा गांधी रसोई योजना जैसे अनुपम काम भी हुए हैं जिससे शहरों में जीवन की गुणवत्ता में सुधार हुआ है। कोटा शहर में 21 प्रोजेक्ट के लोकार्पण पर मैं कोटा वासियों को सभी को बधाई देता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने हमें आशीर्वचन और मार्गदर्शन दिया है। साथ ही मैं माननीय मंत्रीगण का और सभी महानुभावों का भी बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद। तो जयपुर से